हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे वॉलपेपर सेट करेंगे। तो गाइस, हम स्मार्ट वॉच में वॉलपेपर सेट कर सकते हैं और कोई भी ऐप से कर सकते हैं। ये वॉच का नाम है सीरीज 6, तो सीरीज 7 में भी कर सकते हो। तो जो भी ऐप होता है ना, आप उससे वॉलपेपर सेट कर सकते हो। मैं आपको पूरे स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले स्मार्ट वॉच, अगर आपकी स्मार्ट वॉच का कोई नेटवर्क ऑन करना पड़ता है तो वो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि इसमें तो कोई नेटवर्क नहीं ऑन करना पड़ता, ये डिफ़ॉल्टली ऑन ही होता है इसमें। तो अब मैं इसको ऐप से कनेक्ट करूँगा। तो जो इसका ऐप का नाम है वह WWFit। तो हमें स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है। तो मैंने ब्लूटूथ लोकेशन ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हो कि स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुकी है और लोकेशन भी ऑन कर दिया, क्योंकि ये ऐप्स को ज़रूरत होती है। तो जो इस वॉच का ऐप का नाम है, उसका नाम है WWFit। तो अभी ऐप ओपन हो रहा है। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर दिया, स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुकी है ऐप से। यहाँ लिख के आ चुका है सीरीज 6 और वॉच का स्टेटस भी आ चुका है कि वॉच कनेक्टेड है, और चार्जिंग भी कितनी वो भी आ चुका है। तो अब मैं आपको ये बता दूंगा कि वॉलपेपर कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि वॉच अच्छे से कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो आप फाइंड पे क्लिक कर सकते हो और वॉच फाइंड हो जाएगी, इसका मतलब वॉच कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वॉलपेपर कैसे सेट करना है। तो वॉलपेपर सेट करने के लिए हमें यहाँ ऑप्शन दिया है जिसका नाम है डायल पुश। तो आप जैसे डायल पुश पे क्लिक करोगे तो यहाँ सब वॉलपेपर्स आ जाएंगे। तो अगर आपको लेटेस्ट वॉलपेपर चाहिए तो आपको हमेशा ऐप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो जो भी न्यू वॉलपेपर्स है वो आ जाएंगे। तो यहाँ ऊपर जितने भी वॉलपेपर्स हैं ना, ये सब वॉच के वॉलपेपर्स हैं। और यहाँ नीचे से ना लाइव वॉलपेपर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये मिनियन वाला लाइव वॉलपेपर है जो मैंने इसमें सेट किया। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको खुद की फ़ोटो कैसे लगानी है, खुद की फ़ोटो का वॉलपेपर। तो अब जैसे कि ये मैंने लाइव वॉलपेपर सेट किया, तो नीचे सब लाइव वॉलपेपर है। अब मैं ऊपर से आपको एक नॉर्मल वॉलपेपर सेट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने इसे अपलोडिंग पे लगाया, तो अभी इसे थोड़ा सा टाइम लगता है वॉच में आने के लिए। तो आप देख सकते हो कि इसका लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर ये थोड़ी स्लो लोडिंग होती है। तो आप देख सकते हो कि वॉलपेपर सेट हो चुका है और ये कितना अमेजिंग लग रहा है। तो ये वॉलपेपर जो था, ये ऐप का वॉलपेपर था, और जो लाइव वॉलपेपर लगाया था वो अलग था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कस्टम डायल पे वॉलपेपर कैसे लगाना है। तो अब अगर सपोज मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड डायल, तो अब यहाँ दो ऑप्शन आएंगे कि आपको फ़ोटो लेनी है कि एल्बम से सिलेक्ट करना है। तो मैं एल्बम पे क्लिक किया है। तो अब आप एल्बम में से कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हो, जैसे कि अब मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। और अब आप इसको सेट भी कर सकते हो कि आपको कैसी फ़ोटो चाहिए। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ और इस पर कंप्लीट पर क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ ऑप्शन आएगा कि आपको क्लॉक चाहिए या फिर नंबर चाहिए। तो मैंने नंबर पे क्लिक कर दिया और ये लोकेशन बताता है वॉच की कि साइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो मैं इसको बॉटम राइट में कर रहा हूँ और इसे अब मैं सेंड कर दूंगा। तो अभी ये वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि वॉलपेपर सेट हो चुका है और कितना अमेजिंग और HD में आया है। तो आप ऐसे कोई भी फ़ोटो सेट कर सकते हो और आप आपकी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो गैलरी से। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।